प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है प्रेगनेंसी में और आपको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। वो कौन से लक्षण हैं और उनसे बाहर कैसे निकले, कुछ सिंपल आइडियाज भी हैं जो नेचुरल हैं, आप खुद पे ट्राई कर सकती हैं, उनको फॉलो कर सकती हैं और तुरंत से हफ्ते भर में रिलीफ पा सकती हैं। सो वेलकम आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। यहाँ हम प्रेगनेंसी केयर पर बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे लक्षण हैं जो आपको तुरंत से बताएंगे कि आपको बहुत कमजोरी है, किसी और की कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे तो ये लक्षण आपको कहेंगे कि सिम्टम अगर है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना घर पर भी नेचुरल तरीके से इलाज करें। प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, इतनी थकान रहती है कि ना आपसे उठा जाता है ना आपसे काम किया जाता है, जो रूटीन वर्क है कम से कम वो काम भी अगर आप नहीं कर पा रही है तो ये गंभीर बात है। चाहे पहला दूसरा तीसरा कोई भी तिमाही हो आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो ये गंभीर बात है। दूसरी चीज कि आपकी आंखों के नीचे काले काले गहरे निशान अगर पड़ गए हैं तो ये भी एक गंभीर बात है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है और खून की भी कमी है। आपका चेहरा फेडेड है, काफी फेडेड है। यूं तो कहा जाए कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा चेहरा डल हो जाता है, लेकिन अगर आपको पोषण की कमी है, आपको काफी कमजोरी है तो चेहरा काफी पीलापन लिए हुए मुरझाया सा स्किन बहुत ही ज्यादा डल लगेगी। कई महिलाओं को कच्चे चावल, स्लेट पेंसिल, ईंट, पत्थर, चूना, मिट्टी खाने की आदत हो जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी क्रेविंग्स आपको आ रही है तो समझ जाइए कि गंभीर बात है, आयरन कैल्शियम बहुत कम हो गया है। आपको अगर चलने फिरने काम करने में बहुत ज्यादा सांस फूलती है, सांस फूलना प्रेगनेंसी में थोड़ा कॉमन भी है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल चल नहीं पा रही हैं, तो ऐसे में सारे लक्षण आपको बताते हैं कि थोड़ा सा खुद पर ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है, लेकिन कई बार ऐसा है कि प्रेगनेंसी में पानी पिया ही नहीं जा रहा है, मुंह का टेस्ट कड़वा है, जुबान पे मेटलिक सा टेस्ट है, अब क्या करें। ऐसे में आप ऑरेंज जूस, नींबू पानी, मौसमी का जूस आप ले सकते हैं, पानी में ORS बना के ले सकते हैं। ORS आप घर पे बना सकते हैं, ORS का WHO का फॉर्मूला है जो आप फॉलो करके घर में नमक शक्कर यूज करके ORS बनाए और एक दिन में 24 घंटे में उसको खत्म कर दें। ऐसे में जब आपको मिट्टी पिका की हैबिट्स पड़ जाती है तो आपको आयरन सप्लीमेंट तुरंत ही शुरू करना पड़ेगा। अपने डॉक्टर से फॉलो अप लें, अगर आंगनबाड़ी है आसपास तो वहां जाएं, आपको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे और आपको कुछ पोषक आहार भी वहां से दिया जाएगा। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। केले जरूर खाएं, केले एक ऐसा फल है जो बहुत सस्ता है, हर मौसम में मिल जाता है, तो 2 से 3 केले एक्सट्रीम कमजोरी में जरूर खाना है आपको। कई लोगों का बजट नहीं होता कि वो डेली एप्पल अफोर्ड कर सके, क्योंकि हर मौसम में एप्पल सस्ता नहीं होता या महंगे फल सस्ते नहीं होते। ऐसे में टमाटर, चुकंदर, आंवला, सहजन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उनका आप जरूर सेवन करें। पालक का सेवन कर सकते हैं, मेथी का सेवन कर सकते हैं, बथुए का सेवन कर सकते हैं, लौकी तरोई का सेवन कर सकते हैं। ये सब्जियां काफी पोषक हैं, इनमें आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में है। विटामिन डी और कैल्शियम का स्तर भी आपको जरूर देखना चाहिए, इसके लिए आपको इसके सप्लीमेंट्स जरूर लेने हैं, क्योंकि डाइट से इसकी मात्रा अक्सर पूरी नहीं हो पाती प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपके ही शरीर में जो कैल्शियम है उसी से बच्चे की हड्डी, दांतों, नाखून आदि का निर्माण हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कहकर सप्लीमेंट का सेवन शुरू करें। इसके बाद में कई बार इतना सब कुछ डाइट और सप्लीमेंट लेने के बाद एब्जॉर्प्शन रेट अच्छी नहीं होती है तो कमजोरी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता ही है, तो ऐसे में अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें। अनुलोम विलोम में आपको एक नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, फिर होल्ड करना है, दोनों को ऐसे बंद कर देना है, होल्ड करना है, फिर इसको बंद करके इसको खोलना है और एक्सहेल करना है। ऐसी कई साइकिल्स आपको करनी, इससे आपको अंदर से एकदम शांति, स्थिरता, भूख में और सब चीज में बहुत फर्क महसूस होगा। आशा करती हूँ आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।